अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कौन सी बिरयानी? कोफ्ता बिरयानी, चिकन कोफ्ता बिरयानी। बड़ी ही मजेदार लगती है। सबसे पहले तो अगर आप मेरी तरह बिरयानी के शौकीन हैं, हमारे घर में तो बहुत बिरयानी लगती है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की बिरयानी ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से मेरे चैनल पर भी कुछ बिरयानी की रेसिपी अपलोड की है। आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो मैं कहती मैं यहाँ थी कि आप मेरी तरह अगर डिफरेंट टाइप की बिरयानी खाते हो तो आज की जो बिरयानी है वो बहुत हटके है, क्योंकि वो कोफ्ता, चिकन कोफ्ता बिरयानी है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की बिरयानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अच्छा, सबसे पहले तो ये है ना, कीमा है। सबसे पहले तो ये कीमे को धो के नितार कर साइड पर 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए। 10-15 मिनट हो जाए छन्नी के ऊपर रखकर थोड़ा सा कीमा लीजिए, हल्का सा उसे निचोड़िए, हल्का सा, ज़्यादा कस मत निकाल दीजिएगा कीमे की, उसे थोड़ा थोड़ा निचोड़ कर एक मिक्सर जार के अंदर डालते जाए। अच्छा, मैं मिक्सर जार के अंदर इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा जो कीमा है ना वो मोटा मोटा है। अगर आपका बहुत बारीक पिसा हुआ कीमा हो तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, आप सारे मसाले डाल दें और पीसिएगा मत, सारे मसाले डाल के कोफ्ते बना लें। चलिए, ये मैंने सारा डाल दिया। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार या आधा छोटी चाय का चम्मच नमक, एक छोटी चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चाय का चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा कोथमीर मतलब हरा धनिया और थोड़ी सी पुदीना धो के, दोनों चीज़ें धो के डाल दीजिए। 2-3 हरी मिर्चियाँ, मैं 3 डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए 1/4 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच या फिर 3/4 डाल रही हूँ, 3/4 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटी चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून भरकर तेल, घी या मक्खन डाल दीजिए। मैं बटर मस्का 2 टेबलस्पून डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। 3-4 टेबलस्पून भरकर बिरिस्ता डाल दीजिए। वैसे ये मैं घर में बना हुआ बिरिस्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चाहें तो बाहर का भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डाल दीजिए, ये ना हो तो 2 ब्रेड के स्लाइस आते हैं वो डालकर बहुत अच्छा पीस लीजिए इसे बारीक। मैं मिक्सर जार के अंदर पीस रही हूँ, अगर आपका एज इट इज बारीक है तो ये सारे मसाले डालकर इसे प्रिपेयर कर लीजिए, पीसने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये मेरा बहुत अच्छा पीसा गया है तो मैं अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देती हूँ। साइड पर मैंने 3-4 मिनट पहले कोयला जलाने रख दिया था। जब ये बहुत अच्छे से आप निकाल लें एक प्याले के अंदर, अच्छे से निकालिए, कोई भी चीज यहाँ वहाँ लगी हुई रहनी नहीं चाहिए, सारे को अच्छे से निकाल लीजिए बाउल के अंदर। उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस कर दीजिए, एक वाटी रख दीजिए और ये जो गर्मा गर्म लाल कोयला है उसे रख कर थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डाल दें और क्विकली इसे बंद कर दें और तकरीबन ऐसे ही रहने दें 5-7 मिनट के लिए, तो अच्छा धुआं आएगा तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। चिकन को टांडा दे दिया है मैंने, तो यहाँ मैं लिए है तकरीबन 500-550 ग्राम चावल, जैसे आप देख सकते हैं ये बासमती है और इसे कुछ नहीं 2-3 पानी से धो लिया मैंने और एक तकरीबन पानी 3-4 कप पानी डाल के रख दिया था। ये मेरे चावल है ना, तकरीबन मेरा कप ये वाला है, सो इसके 3 कप बने हैं। अब आप आपके हिसाब से देखिएगा, मैंने 500-550 ग्राम लिए हैं चावल और मेरी जो चिकन है वो भी 500 ग्राम है। सो चलिए, अब मैं आगे सब्जियां वगैरह थोड़ी काट लेती हूँ, टमाटर और प्याज। ये 2 मीडियम साइज की प्याज मैंने लंबी लंबी स्लाइस करके काट ली है और मैं 3 टमाटर हैं, आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, मीडियम साइज के हैं, इनकी छील निकाल के मैं गोल गोल पहिए में काट रही हूँ, आप चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हैं। और साइड पर 2-3 हरी मिर्चियां मैंने काट कर रखी है। प्याज और टमाटर जो काटने थे वो मैंने काट लिए हैं और ये मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। बढ़िया सी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है इनकी कबाब बनाकर अभी खा जाऊं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर अब मैं है ना इनके कोफ्ते बना लेती हूँ, क्योंकि हमारी है कोफ्ते की बिरयानी। तो तेल थोड़ा सा, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा हाथ में लगाएं, छोटा सा पोर्शन लें और इसे इस तरीके से बॉल्स बनाते जाएं। ये देखिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए, बड़े या छोटे ये सारे आपके ऊपर डिपेंड है। मैं थोड़े से छोटे बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये सारे बन चुके हैं। अच्छा, अभी आपसे हैंडल नहीं हो रहे थे,
बनाने के टाइम पे आप थोड़ा सा फ्रिज में रख देते हो उसे, थोड़ा सा बॉडी आ जाती चिकन के अंदर, फिर आप वार लीजिए, बॉल्स बना लीजिए कोफ्ते के। और दूसरी बात ये, आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो इसे 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। कैसे? इसे आप कच्चे इस तरीके से जब आप वार लेते हैं, बॉल्स बना लेते हैं, इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, उसके बाद 1 घंटे के बाद निकाल लीजिए और उसे ज़िपलॉक बैग में डालकर 15-20 दिन तक आप आराम से रख के खा सकते हैं। आप चाहें तो उसके कोफ्ते की करी बना लीजिए या कोफ्ते का ये बिरयानी बना लीजिए, तो कोफ्ते बन जाएंगे तो ज्यादा आसानी से आपकी बिरयानी बन जाएगी। और दूसरी बात, अब आप जब फ्राई कर रहे हैं, तो मैं अभी फ्राइंग के लिए स्टार्ट करूंगी, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप एक फ्राई कर लीजिए, देख लीजिए फ्राई करके, अगर आपको लगे कि फूट रहे हैं तो इसका मतलब मॉइस्चर ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप आटा डाल दीजिएगा सूखा भून के बेसन का। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा, एक बना के आप देख लेंगे और खोल के देख लीजिए, अगर आपको लगे बहुत ज्यादा ड्राई है तो फिर उसमें आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा घी, तेल या फिर बटर डाल दीजिएगा, उसका मतलब है उसमें मॉइस्चर कम हो गया है। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ अभी बनाना, इसको फ्राई करना। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। अब तेल गर्म हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 1 या 2 कोफ्ते डाल दीजिए। पहले टच मत कीजिएगा चम्मच से, आधा 1 मिनट उन्हें हो जाने दीजिए, आधे 1 मिनट के बाद इन्हें उलट पलट करते जाएं और चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें मीडियम आंच पर। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे ये जो कोफ्ते हैं बिल्कुल भी फूटे नहीं हैं, तो परफेक्ट है। तो इसलिए अब 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से थोड़े थोड़े 3-3, 4-4 एट अ टाइम या आपके हिसाब से पैचेस में डाल दीजिए। 4-5 मिनट इन्हें मीडियम आंच पर पकने दीजिए, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये सारों को निकाल कर साइड पर रख दीजिए। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं, कच्चे फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं, लेकिन जब आप ज़िपलॉक बैग में डाल रहे हैं तब आप फ्रीजर में ही ऊपर रखिए, जब भी मन मर्जी करें तो उन्हें निकालें, थॉ करें और फिर फ्राई करें। चलिए ये सारे बन चुके हैं तो मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ और ये जो मेरे तेल है ये ज़्यादा है, इसमें से थोड़ा सा मैं तेल निकाल लेती हूँ। तेल निकाल लें तो चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच और ये कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी काली इलायची और 6-8 काली मिरी, 4-6 लौंग, 3-4 हरी इलायची, आधा छोटी चाय की चम्मच साबुत जीरे की। आप चाहें तो ये जो शाह जीरा था आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं नॉर्मल जीरा डाल रही हूँ। तरतरा जाने दीजिए ये गरम मसाले को, जब सारे तरतरा जाए तो प्याज डाल दीजिए 2 बारीक लंबी कटी हुई मीडियम साइज की और इन्हें फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इन्हें भी फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए इनकी। जब कच्चेपन की खुशबू चली जाए तो मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए और छील निकाले हुए डाले हैं, इन्हें भी फास्ट आंच पर 1 से 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज के भी टमाटर ले सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद जब टमाटर नम हो जाए ना तो चूल्हा स्लो करके नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, 3-4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए और 3-4 छोटा चाय का चम्मच ये जो भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। चलिए मिक्स कर लीजिए और इसे आधा कप पानी डालकर फास्ट आंच कर दीजिए और एक उबाल खिला लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो धीमी आंच करके 5 से 7 मिनट पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाला नहीं भून जाता, टमाटर पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो जाते। अच्छा, मैं एक चीज डालना भूल गई हूँ, मैं अभी डाल देती हूँ, 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और ये चलिए एक उबाल आ गया, मैं ढक देती हूँ और थोड़ी देर दम पर पकने रहने देती हूँ स्लो आंच पर। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी रख दिया है चावल के लिए, 1 घंटा हो गया है, फास्ट आंच पर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी, आप देख सकते हैं 2-3 हरी इलायची और 2-3 काली मिरी, 2-3 लौंग और 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा, थोड़ा सी कोथमीर और पुदीने भी डाल देती हूँ इसके अंदर और नमक डाल दीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा सा नमक ज्यादा ही रखिएगा, 1 मिनट, 3, 2, 3 और ये एक्स्ट्रा।
सो दैट चावलों में अच्छे से नमक चढ़ना चाहिए। इसका जब आप पानी चखेंगे ना, तब नमक है ना थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, हल्का तेज ही लगेगा। जब इसका पानी के अंदर ही नमक घुल जाएगा ना, तो चख लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा ही रहना चाहिए नमक, तो ही चढ़ेंगे ना नमक चावलों में। मैं आधा नींबू डाल रही हूँ इसके अंदर, आप भी आधा नींबू डाल दीजिएगा, इससे क्या खिले खिले छुट्टे चावल बनते हैं। और हाँ, इसमें और एक चीज डालनी है मुझे, वो है थोड़ा सा तेल। चलिए, तो अब इसे मैं बॉईल होने देती हूँ, तब तक बॉईल होगा उसमें चावल डाल देंगे हम बितार कर। साइड बाय साइड ये भी भुना गया है, 4-5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल कितना ऊपर आ चुका है माशाल्लाह। तो अब मैं यहाँ डाल देती हूँ आधा कप दही फेटी हुई, और चूल्हा सबसे पहले मीडियम आंच कर दीजिए। कंटिन्यूस दही जब आप डालें तो चलाते रहिए, 1 मिनट तक इसे बार बार चलाते रहिए कंटिन्यूस। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हा स्लो करके 4-5 मिनट तक ढक कर दम पर पकने दें, जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाले और टमाटर और दही भून नहीं जाती तब तक। यहाँ दही भून रही है मसाले के साथ, तो यहाँ ये हो रहा है, तब तक इसमें उबाल आ चुका है, मैंने ढक दिया था। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको पहले ग्रेवी पूरा बना लेना है और फिर चावल करना है, तो आप वैसा कर सकते हो, पहले चावल बना के फिर ग्रेवी कर सकते हो, बट मैं हमेशा दोनों साथ में ही रख देती हूँ कि एक साथ सब हो जाए। चलिए, इसमें उबाल आ चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं चावल डाल देती हूँ। चावल को बीच बीच में चला रही हूँ, वो पक रहे हैं, तब तक यहाँ ये भून चुका है, 5-6 मिनट हो चुकी है। ये देखिए मसाला भून चुका है दही के साथ। अब मैं चूल्हे को मीडियम आंच कर देती हूँ और यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी डाल देती हूँ। ये रहा एक, जिसमें लहर पानी दें, ये रहा 1.5, और नमक डाल दीजिए थोड़ा सा स्वाद अनुसार, ऑब्वियसली पानी डाला है तो उसके भाग का। मैं 1-2 हरी मिर्ची को बारीक काट के रखी हूँ, वो भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये एक छोटा सा नींबू है, नींबू का रस। अब ये छोटा नींबू था तो मैं आपको बता देती हूँ कितना होता है। ये रहा मेरा चम्मच, समझिए ये हो रहा है 1 छोटा चाय का चम्मच। तो मैंने उतना नींबू का रस लिया क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा था। चलिए, इसमें उबाल आ जाने दीजिए, नींबू महंगे हो गए ना तो छोटे आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक उबाल आ जाता है तो मैं कोफ्ते डाल दूंगी। देखिए, इसमें तो उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर कोफ्ते डाल देती हूँ सारे, और इसमें अगर तेल रहे तो वो भी डाल दीजिए, संभाल कर हल्के हाथ से इसे मिक्स कीजिए, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़े से बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ और इसे स्लो आंच पर तकरीबन 12-13 मिनट पकने रख दीजिए, क्योंकि या 8-10 मिनट रखिए, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो थोड़ी सी गर्मी बाकी है, बाहर से तो गल चुकी होगी, बीच से थोड़ी रह गई होगी क्योंकि ये चिकन, तो मैं तकरीबन समझिए ना 5-6 मिनट ही रखूंगी क्योंकि बीच से सिर्फ बाकी है। तो अब मैं देख लेती हूँ मेरे चावल। चलिए, एक कढ़ी हो चुकी है, ये देखिए एक कढ़ी बाकी है, आप देख सकते हैं। चलिए, मैं निकाल लेती हूँ। चलिए, ये हो चुके हैं, अब इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ। और अगर ये जो आपको गरम मसाले लगे ना निकालने जैसे, तो चुन सकते हो थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से, चुन लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, गरम मसाले कोई दिक्कत नहीं देंगे आपको। मैंने तकरीबन इसे है ना दम पे 10 मिनट रखा है, मैंने आपको 6-7 मिनट बोला था, बट मैंने फिर 3 मिनट और रखा है, तो टोटल 10 मिनट हुआ है। मैं इसका कर देती हूँ चूल्हा बंद। अच्छा, आपको ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए और एकदम सूखी बिरयानी टाइप चाहिए, तो ये जो पानी है आप 1.5 कप मत डालिएगा, आधा पौना डालिए या 1 कप डालिए। और मुझे थोड़ी सी, हमें थोड़ा मसाला लगा के खाने की आदत है, तो मैंने 1.5 कप डाला है, उसके बाद ही थोड़ी सूख भी जाती है, ये जो कोफ्ते हैं उसमें भी पानी जाता है। ये देखिए, का बढ़िया से हमारे कोफ्ता की ग्रेवी बन चुकी है। ऊपर का जो तेल है मैं हल्का निकाल लेती हूँ, और जो हांडी जिसमें मैं बना रही हूँ बिरयानी, उसमें ये वाला तेल मैं पहले सबसे पहले नीचे बेस में डाल देती हूँ, उसके बाद आधे चावल डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। आप चाहे तो आधे नहीं तो 2-3 बड़े बड़े चम्मच डाल दीजिए, पर इस बार मैं आधे पूरे नीचे डाल रही हूँ। उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज वाला, ये डाल रही हूँ, थोड़ी सी कटी हुई बारीक कोथमीर,
हरा धनिया और थोड़े से फुदीने, ये सारे डालने के बाद ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी जो ग्रेवी है कोफ्ते की, ये चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए कोथमीर, उसके ऊपर बाकी की जो बचे हुए चावल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के सारे लगा दीजिए इसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर से थोड़ी सी कोथमीर यानी हरा धनिया है वो डाल दीजिए, थोड़े से पुदीने डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी में घोलकर मैंने फूड कलर जो साइड पर ऑरेंज बना के रखा है वो मैं थोड़ा ड्रिजल कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा 3-4 टेबलस्पून जितना असली घी चारों ओर डाल दीजिए और इसे ढक कर तकरीबन समझिए ना 20-25 मिनट स्लो आंच पर पकने दीजिए। पहले 5 मिनट इसे है ना 4-5 मिनट फास्ट आंच पर पका लीजिए, फिर स्लो आंच करके इसे 20 मिनट पकने दीजिएगा। 25 मिनट हो चुकी है माशाल्लाह, और अब मैं चेक कर लेती हूँ इससे डालकर, चेक कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा सिर्फ तेल लगा हुआ आए इसका मतलब हमारी बिरयानी हो चुकी है, और थोड़ा वॉटरी टाइप आए पानी टाइप इसका मतलब आपको थोड़ी देर और दम पे रखना है। तो चलिए मैं अब निकालती हूँ बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर गर्मा गर्म निकालें और इन्हें रायते के साथ सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं खा के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी। अच्छा ये देख लीजिए बहुत ही मजेदार से बने, देखिए बहुत ही कितने परफेक्टली गल चुके हैं। और इसमें स्मोकी फ्लेवर जो आ रहा है ना बहुत ही मजा आ रहा है। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कितने सॉफ्ट हैं, देखिए तो सही माशाल्लाह बढ़िया से बने हैं कोफ्ते, मजेदार से। अल्हम्दुलिल्लाह।